पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज ही मिशनरी जीवन में हम बात करेंगे डैन कॉफर्ट के मिशनरी जीवन के बारे में। जन्म 7 दिसंबर 1870, मृत्यु 23 जून 1926, मूल स्थान स्कॉटलैंड, दर्शन अफ्रीका। आइए हम विस्तृत में ध्यान देते हैं। डैनियल कॉफर्ट एक स्कॉटिश मिशनरी थे जिन्होंने मध्य दक्षिणी अफ्रीका में सेवा की। एक ईसाई घर में जन्मे डैन प्रभु की शिक्षा और चेतावनी में पले बड़े। वे बचपन से संडे स्कूल सहित चर्च के विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदार थे। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने पाप के विषय में गहरे पश्चाताप के साथ प्रभु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। तब से उन्होंने परमेश्वर के वचन को जानने और जहां कहीं भी अवसर मिला उस उद्धार का प्रेम संदेश का प्रचार करने के लिए एक गहरी इच्छा रखी। अफ्रीका के एक मिशनरी फ्रेडरिक अनरोड के साथ उनकी मुलाकात ने मिशनरी सेवा में उनके प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रभु पर अपना विश्वास रखते हुए वह 1889 में अफ्रीका के लिए रवाना हुए। डैन लिविंगस्टोन के नक्शे कदम पर चलते हुए अफ्रीका में बुत परस्ती से बंधे हुए लोगों को मसीह का परिचय देने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उनका पहला मिशन स्टेशन वर्तमान अंगोला में था और फिर धीरे धीरे पूर्व की ओर मध्य अफ्रीका तक पहुंच गए। उन्होंने विभिन्न स्थानीय भाषाओं का अध्ययन किया और स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों को सीखा, जिससे उन्हें अफ्रीकियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने में मदद मिली। इसके द्वारा वह मसीह के लिए कई आत्माओं को जीतने में सक्षम रहे। उन्होंने लुबा लोगों की भाषा में बाइबल का अनुवाद करने के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने मूल निवासियों और उपनिवेशकवादी अंग्रेजों के बीच शांति निर्माता की भूमिका भी निभाई। अफ्रीका में 22 साल की उम्र की सेवा के बाद उन्होंने मिशनरी काम से छुट्टी लेकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की और वहां के चर्चों को अफ्रीका में सुसमाचार ले जाने की चुनौती थी। इसके बाद वे 1926 में अफ्रीका लौट आए और लुबा भाषा में बाइबल का संशोधन भी पूरा किया। उनकी अन्य पुस्तकें अफ्रीका में आने वाले बाद मिशनरियों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गए। डैन, जिन्हें स्थानीय लोग प्यार से कोंगावंत, जिसका अर्थ है लोगों का संग्रह करता, कहते थे, एक संक्षिप्त बीमारी के बाद अपने प्रभु के साथ रहने चले गए। प्रिय, क्या आप मसीह के लिए आत्माएं एकत्रित कर रहे हैं? हे प्रभु, मुझ में आपके वचन को जानने और दूसरों को उसका प्रचार करने की एक गहरी इच्छा पैदा करें। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।